गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी जो एक्सरसाइज चली हुई थी 10.3, उसके हमने 8 सम कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आप लोगों ने वो सोल्व कर लिए होंगे। अब हम उससे आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके आगे कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्या है, वो लिखा हुआ है बेटा फाइंड मॉडुलस ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और कंडीशन क्या है, इफ फॉर वेक्टर दे रखा है आपके पास, इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर, क्या कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ए, ए हमारे पास गिवन है यूनिट वेक्टर एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री प्लस ए इज इक्वल्स टू 12, यही वाले कंडीशन ये है। कहता है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स निकालना है, इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, एक ऐसा है यूनिट वेक्टर आपका पास ये रिजल्ट गिवन। तो हमारे पास जो गिवन है उसका यूज कर लेते हैं हम, इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे हम, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 12। एंड कंडीशन क्या है, ए यूनिट वेक्टर, ए इज ए यूनिट वेक्टर, और सिंपल सी बात है अगर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। अब हमें इसका डॉट करना है, तो ध्यान से देखिए, एक्स डॉट एक्स, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स, और लास्ट वाला क्या होगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू 12। एक प्रॉपर्टी होती थी कम्यूटेटिव, यहां पे ये होता था a डॉट b किसके इक्वल होता था, b डॉट a, ये हमारे पास रिजल्ट बनता था। तो यहां पे देखो, x डॉट a और a डॉट x दोनों सेम होंगे, दोनों के साइन अपोजिट तो कैंसिल आउट, और इससे क्या बनेगा, मोड ऑफ x का होल स्क्वायर, लास्ट वाला बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मोड ऑफ a का होल स्क्वायर राइट में क्या है, 12। ध्यान से देखिए, मोड ऑफ x होल स्क्वायर, इसको 1 लिख दें यहां से, 12। तो मोड ऑफ एक्स जो वेक्टर है, एक्स वेक्टर, उसका स्केयर क्या बना, 13, और मोड ऑफ एक्स का अगर हम मॉडुलस बनाएंगे तो क्या आएगा, रूट 13। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, रूट 13 इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम, हमारा टॉपिक ये जो चल रहा है बेटा डॉट प्रोडक्ट में चल रहा है। अब यहां पे नेक्स्ट पे जाने से पहले एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, इफ ए डॉट बी अगर जीरो आता है, जबकि कंडीशन ये है कि ए नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो है, फिर भी ए डॉट बी अगर जीरो आता है तो आप क्या लिखते थे, ए डॉट बी जीरो आने का मीनिंग क्या होता था, इंप्लाइज ए परपेंडिकुलर टू बी, ए बी पे क्या होता था, परपेंडिकुलर होता है। तो नेक्स्ट वाले सम में इस वाले की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, क्या क्वेश्चन है पढ़ना था हमसे, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 10th है, कहता है इफ ए इज इक्वल्स टू 2i 2j प्लस 3k, इफ ए इज इक्वल्स टू 2i 2j प्लस 3k, बी वेक्टर जो दे रखा है वो हमारे पास है माइनस i 2j प्लस 3k, माइनस आई प्लस 2j 3k, देखते हैं क्या है, माइनस आई प्लस 2j प्लस k, सॉरी प्लस k है बेटा ये, और जो c वेक्टर है वो क्या गिवन है हमें, वो गिवन है 3i प्लस j, सच दैट किस तरीके से गिवन है, a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा सी पे, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको क्या निकालना है, फाइंड लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी ये हमें सोल्व करना है, कंडीशन ये गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे, आप ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्रिएट कर लो, ए वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस 2j प्लस 3k,
प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है माइनस आई प्लस टू जे प्लस के, हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टू आई टू जे थ्री के माइनस लैम्डा आई प्लस टू लैम्डा जे और प्लस लैम्डा के। अब इनको इक्वेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आई वाला ये बनेगा टू माइनस लैम्डा इंटू आई, यहाँ पे टू प्लस टू लैम्डा इंटू जे, थ्री प्लस लैम्डा इंटू के, ये वेक्टर आ गया हमारे पास ए प्लस लैम्डा बी। सिंस क्योंकि गिवन है ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, सो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी क्या आना चाहिए, जीरो। इसका रिजल्ट आना चाहिए बेटा जीरो, ठीक है, ये हमें करना था। अभी हम सोल्व करते हैं, सबसे पहले ये वाला वेक्टर लिख लेते हैं, क्या बना हमारे पास टू माइनस लैम्डा इंटू आई, टू प्लस टू लैम्डा इंटू जे और थ्री प्लस लैम्डा इंटू के। ये तो हो गया हमारे पास कौन सा वेक्टर, आपके पास ए प्लस बी लैम्डा डॉट सी। सी वाला क्या है हमारे पास थ्री आई प्लस जे, इन दोनों का डॉट क्या रखेंगे जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करना हमें, बस डॉट प्रोडक्ट लेना, थ्री आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स माइनस थ्री लैम्डा, फिर जे वाला जे के साथ कर दो टू प्लस टू लैम्डा, के वाला है नहीं तो जीरो। अब आपके पास ये कंडीशन आ गई, इन दोनों से क्या बनेगा माइनस लैम्डा, आगे लिख देता हूँ, शायद दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लैम्डा माइनस का हो जाएगा और फोर और सॉरी सिक्स और टू एट, ये बनेगा आपके पास एट। अब यहां से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं प्लस एट सॉरी प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, ये बना तो लैम्डा की वैल्यू क्या बनेगी एट, ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको ज्यादा वर्क नहीं करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम इसी वाले रूल का अप्लाई करना है हमें, कि दो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होंगे तो हमें कैसे उनको सोल्व करना है, कंडीशन क्या रहेगी, जो भी परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए जीरो। जैसे उन्होंने कहा है शो दैट मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर माइनस प्लस मॉडुलस ऑफ बी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ये प्रूव करना हमें टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, शो करना है कि ये क्या होंगे आपके पास परपेंडिकुलर, जिसके अंदर कंडीशन ये दे दी उन्होंने कि भैया जो ए वेक्टर है वो भी नॉन जीरो है और बी वेक्टर है वो भी नॉन जीरो है। ए और बी कैसे वेक्टर दे रखे हैं, नॉन जीरो वेक्टर दे रखे हैं। आपको प्रूव ये करना है कि ये और ये परपेंडिकुलर होंगे, सिंपल सी बात है, वही रिजल्ट आप अप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली कि भैया अगर ये कंप्लीट वेक्टर और ये वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट क्या आना चाहिए जीरो। तो हमें क्या करना है, इफ आप लिख सकते हो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर देन ए परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, देन क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, इन दोनों का हमें क्या लेना है डॉट, आप लिख सकते हो देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, क्या आएगा वो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो हम एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं, ये लिखा हमने डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉडुलस ए वेक्टर, हम इनका डॉट करेंगे तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो क्या रहा ए का मैग्नीट्यूड रहा और बी वेक्टर का डॉट बी के साथ होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो क्या होगा माइनस बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर,
यहां से यहां पे आएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा वो आपके पास आएगा प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी, और जब इसकी लास्ट वाले के साथ होगी तो क्या बनेगा बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और फिर यहां से ए वेक्टर डॉट ए। देखो ये दोनों सेम है, कैसे सेम है ध्यान से देखो, b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड दोनों स्केलर है, यहाँ a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, a डॉट b, b डॉट a सेम होते हैं, इसलिए दोनों का रिजल्ट क्या होगा कैंसिल आउट। आपके पास क्या होगा यहाँ से देखिए, इससे आप लिख सकते हो मोड ए स्क्वायर, इससे b डॉट b क्या होता है मोड ओ बी स्क्वायर, लास्ट वाला देखो b डॉट b मोड बी स्क्वायर और a डॉट b मोड ऑफ ए स्क्वायर, दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए जीरो, क्योंकि एक दोनों सेम है सिर्फ साइन अपोजिट है, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा जीरो। ठीक है ये 11 था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, हम क्या कंडीशन दे रखी है उन्होंने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंडीशन ये है इफ ए डॉट ए जीरो, इफ ए डॉट ए वेक्टर जीरो आता है एंड ए डॉट बी जीरो, एंड ए डॉट बी जीरो, देन वी कैन कंक्लूड अबाउट वी वेक्टर, कहते हैं देन व्हाट वी कंक्लूड अबाउट बी वेक्टर, कहते हैं आप बी वेक्टर के बारे में बताओ बी क्या होगा। इन्होंने कहा है कंडीशन ये है ए डॉट ए जीरो और ये वाला जीरो है, तो फिर बी वेक्टर क्या होगा, ये क्वेश्चन है उनका। तो सबसे पहले हम यहां से बात करते हैं, इफ ए डॉट ए अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर क्या बनेगा जीरो, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ गया जीरो, और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो आता है तो वो वेक्टर कैसा होता है जीरो वेक्टर, दिस इंप्लाइज आप लिख सकते हो ए इज जीरो वेक्टर, ए जीरो वेक्टर बन गया। ठीक है, और दूसरी गिवन कंडीशन क्या है, ए डॉट बी हमारे पास जीरो है, हाँ भाई जीरो है, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर जीरो आया था, तो कहता बी के बारे में क्या कहोगे, आप लिख सकते हो बी कुछ भी हो सकता है, बी बी एनी वेक्टर क्या होगा, कोई भी वेक्टर बन सकता है, क्योंकि यहां पे तो कंडीशन ये है कि ए वेक्टर जीरो आ गया, अगर ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आना ही है, क्योंकि ए वाला जीरो है, तो बी क्या हो सकता है, बी में भी जीरो और नॉट भी जीरो वेक्टर, बी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं कि बी जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि ए तो जीरो आ ही चुका है हमारे पास, सो बी क्या होगा, कोई भी एक्टर हो सकता है बी। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिख रखा है, नेक्स्ट में हमारे पास है कंडीशन, कहते हैं ए बी सी थ्री कैसे हैं यूनिट वेक्टर है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ये कैसे वेक्टर दे रखे हैं यूनिट वेक्टर, ये गिवन है भैया। ठीक है, देन शो दैट, देन आगे कंडीशन और दे रखी है, क्या लिख रखा है, वेक्टर सच दैट ए का प्लस बी का प्लस सी का वेक्टर का सम जीरो आता है, ये क्या क्रिएट करता है जीरो वेक्टर, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वो लिखेगा ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, इसकी वैल्यू क्या है ये हमें मालूम करनी है। अब हमारा काम कहां से स्टार्ट होगा ध्यान से देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, तो जो गिवन है उसको लिखते चले जाओ, सॉल्यूशन कैसे होगा, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर देन क्या होगा, यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, सबका मैग्नीट्यूड क्या आएगा वन आएगा, ये कंडीशन गिवन थी। आल्सो उन्होंने दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। आप एक काम कीजिए, यहां से आप पहले कैलकुलेट कर दीजिए ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इसका स्केयर राइट में क्या बनेगा जीरो, क्यों, क्योंकि जीरो का डॉट जीरो के साथ होगा तो स्केलर बन जाएगा वो। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, इसको कैसे लिखेंगे,
ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां पे क्या आएगा, ए का डॉट ए के साथ, ए का डॉट बी के साथ, ए का डॉट सी के साथ, फिर आप बी का लिखोगे बी डॉट ए बी डॉट बी और बी डॉट सी, फिर आप सी से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे प्लस सी डॉट ए सी डॉट बी और सी डॉट सी। राइट में क्या दे रखा था, जीरो। ध्यान से देखिएगा इसको, यहां पे, यहां पे और यहां पे, इनको तो हम पहले लिख लेते हैं। ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ए डॉट बी है और आपके पास बी डॉट ए मिलेगा आपको, दोनों सेम होते हैं, कंडीशन होती है, तो आप इसको लिख सकते हो टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। इसी तरीके से टू टाइम्स बनेगा बी डॉट सी और टू टाइम्स सी डॉट ए, राइट वाला जीरो। इन तीनों का सम क्या होगा, क्योंकि ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, तो ये आ जाएगा थ्री प्लस टू, कॉमन ले लीजिए यहां से, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो। सी को राइट में लेके लीजिए तो क्या कुछ रिजल्ट बनेगा, टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू माइनस थ्री। और अगर हमें वैल्यू निकालनी है ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, तो आपके पास क्या होगा माइनस थ्री बाई टू, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें क्या करने हैं सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। इफ आइदर वेक्टर ए जीरो और बी जीरो देन ए डॉट बी जीरो, सिंपल सी बात है, अगर कोई वेक्टर ए जीरो है, या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो, सो ए डॉट बी जीरो होगा, यस बिल्कुल होगा, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कहता बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, आपको क्या करना है, जस्टिफाई आंसर विद एन एग्जांपल, आपको एग्जांपल से इसको प्रूव करना है कि ये सही नहीं है। तो आपको एग्जांपल लेने हैं भाई, कौन कौन से एग्जांपल आप ले सकते हो, आपको वो प्रूव करना है कि ये दोनों, लेट आप मान लीजिए ए वेक्टर को मान लेते हैं आई प्लस टू जे प्लस के, मान लिया हमने। बी वेक्टर को मान लीजिए टू आई प्लस जे माइनस फोर के। दो वेक्टर हमारे पास है, क्या दोनों जीरो है, नहीं, नॉन जीरो वेक्टर है। अब आप एक काम कीजिए, ए डॉट बी बनाइए आई प्लस टू जे प्लस के डॉट टू आई प्लस जे माइनस फोर के। तो आप देखिए ध्यान से, डॉट कर दिए आई डॉट आई टू प्लस टू माइनस फोर, क्या रिजल्ट आया, जीरो। तो हमारे पास क्या करना था, हमें सिर्फ आपको एग्जांपल देना था कि ए डॉट बी जीरो आता है जबकि ए और बी कैसे हैं, नॉन जीरो वेक्टर। सो यहां से क्या बना, ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, फिर भी ए डॉट बी क्या आया, जीरो। तो कैसा हो सकता है, तो आपका आंसर होगा ये आपका एग्जांपल था बेटा, सिंपल आपको यही करना, इससे ज्यादा इसमें वर्क नहीं है। अब जो नेक्स्ट सम है वो ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या कैलकुलेशन करनी है, हमें एंगल निकालना है, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट में आप एंगल कैसे निकालते हो। इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे मान लेना है कि ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसके कुछ वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी और सी। क्या क्या वर्टिसेस हैं, वन टू थ्री, ए का है वन टू थ्री, बी का वर्टेक्स जो दे रखा है इन्होंने वो है माइनस वन जीरो वन जीरो जीरो सॉरी डॉट वन इट्स माइनस वन जीरो जीरो एंड जीरो वन टू, सी वाला है जीरो वन टू। ये वर्टिसेस आपको दे रखे हैं ट्रायंगल के एबीसी के, कहते हैं आपको एंगल निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, एबीसी। अब ध्यान से देखिए एबीसी एंगल किस किस के बीच में बनेगा, क्योंकि ये एंगल पूछा उन्होंने, आपको दिखाई दे रहा है बीसी और बीए के बीच में एंगल आएगा, तो एंगल किस में बनेगा, ये बीसी एंड बीए के बीच में। तो अब हमें एंगल निकालने के लिए क्या करना है, लेट इट विल बी थीटा, हमने एंगल मान लिया कि एंगल कैसा है, थीटा।
आप लिख सकते हो लेट सॉल्यूशन लिखेंगे जब हम थीटा बी एंगल बिटवीन बीसी वेक्टर एंड बीए वेक्टर, इन दोनों के बीच में बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वेक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं, बीसी वेक्टर को। बीसी वेक्टर कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, दो पॉइंट के बीच में हम कोई भी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो ये पॉइंट है हमारे पास x1 y1 z1 और ये है x2 y2 और z2, हमें वेक्टर बनाना है ए बी वेक्टर, ठीक है। ए बी वेक्टर कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना है x2 माइनस x1 i, x2 वाले से x1 i प्लस y2 माइनस y1 j और प्लस z2 माइनस z1 k, ये ध्यान में रखना, ये वाली फॉर्म बनती है। तो इसी वाले मेथड को हम यहाँ अप्लाई करेंगे बीसी पे, तो बीसी पे क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा, उधर है जीरो इधर है माइनस वन, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे आई प्लस, वहां वन माइनस जीरो तो वन माइनस जीरो जे, वहां है टू तो टू माइनस जीरो के, ये आपके पास आ गया बीसी वेक्टर, क्या बना आई प्लस जे प्लस टू के, बन गया हमारे पास। सेम वे हम किसको बनाएंगे बी ए वेक्टर, ध्यान से देखिए डायरेक्टली बना लेते हैं यहाँ पे, क्या बनेगा बी ए ए माइनस बी, तो वन माइनस वन क्या बनेगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे टू आई और वहां से टू माइनस जीरो तो प्लस टू जे और प्लस थ्री के, ये हमारे पास दोनों वेक्टर आ चुके हैं। अब हमारा काम क्या होगा, इनके बीच में एंगल निकालना है, एंगल हमने मान ही लिया है कौन सा एंगल है थीटा। सो कैसे निकल के आता था फॉर्मूला याद करो, एंगल निकालने का डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा क्या होता था ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये फॉर्मूला बनता था, इसकी हेल्प से हम एंगल निकालते थे। तो यहाँ से आपके पास दोनों वेक्टर बन चुके हैं, आपको एक काम और करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, बी सी वैक्टर डॉट बी ए वैक्टर, दोनों का क्या कर लें डॉट प्रोडक्ट बना लेते हैं, क्या बनेगा यहाँ से देखो डॉट करो आई और आई तो टू इंटू वन तो टू प्लस टू थ्री टू सिक्स, आई थिंक टेन आ गया इसका बी सी। अब आप बी सी का मैग्नीट्यूड कीजिए, क्या बनेगा बी सी का वन का स्केयर वन, वन का स्केयर वन, टू का फोर, तो यहाँ से आ गया रूट सिक्स। आप बी ए का मैग्नीट्यूड कीजिए, क्या बनेगा टू का स्केयर फोर, टू का स्केयर फोर, थ्री का नाइन, नाइन फोर थर्टीन और फोर रूट सेवनटीन, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको सोल्व करना है, आपको एंगल निकालना थीटा, तो कोस ऑफ थीटा क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा, आपके पास आएगा बी सी वैक्टर डॉट बी ए वैक्टर डिवाइड बाई मोड ऑफ बी सी वैक्टर और मोड ऑफ बी ए वैक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो आया टेन, यहां से ये वाला रूट सिक्स है, ये है रूट सेवनटीन, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, किसकी, इन दोनों की, तो यहाँ टेन है, इन दोनों की मल्टीप्लाई छः की सेवन सॉरी सेवनटीन की सिक्स के साथ वन जीरो टू, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, एक्चुअली हमें थीटा निकालना था, तो क्या होगा कोस इनवर्स टेन बाई रूट ऑफ वन जीरो टू, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। वो सिंपल है, हमें नया काम नहीं करना है, जो पहले सीखा हुआ उसी काम को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में दे रखा है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आ सकता है पेपर में बेटा, क्योंकि कोलिनियरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लेता है वो। आपको पॉइंट दिखा लें ए वन टू फोर वन टू सेवन सॉरी, बी पॉइंट है आपके पास जो कि है टू सिक्स थ्री और सी है हमारे पास वो है हमारे पास थ्री टेन माइनस वन, इनको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर होंगे। अभी अगर कोलिनियर होंगे तो आप एक काम कीजिए, इनसे सबसे पहले हाँ पहला काम हमारा इनका वेक्टर क्रिएट करना, आप
अगर देखो कोलिनियर का मतलब क्या होगा, लाइन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, लीनियर कोलिनियर एक ही लाइन पे लाई करने वाले या तो पैरेलल होंगे या कोलिनियर, दो कंडीशंस बनती थी। अब आप क्या करें यहां से, सबसे पहले आप एक काम करें ए बी वेक्टर को कैलकुलेट कर लें, तो वो वेक्टर क्या बनेगा, बी माइनस ए, टू माइनस वन तो आई, सिक्स माइनस टू फोर जे, और थ्री माइनस फोर के माइनस का हो जाएगा, ये बना ए बी वेक्टर। आप बनाएं बी सी वेक्टर, क्या बनेगा बी सी, सी माइनस ए, थ्री माइनस टू आई, टेन माइनस सिक्स फोर जे, और माइनस वन माइनस थ्री फोर के। अब ध्यान से देखो क्या बनाए यहां से, ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू बी सी वैक्टर बन गया, यहां से ए बी और बी सी वैक्टर क्या बन गए, दोनों सेम रिजल्ट बन गए। सो अगर आप यहां से ये लिख सकते हो, देखो अगर दो वैक्टर पैरेलल है, ए बी एम टाइम्स अगर आ जाता है बी सी, सो हम क्या बोलते हैं, या तो ये दोनों वैक्टर्स कैसे होंगे, पैरेलल होंगे क्योंकि समथिंग मल्टीपल है, बट इसमें आप क्या लिखोगे, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वन, क्योंकि हमारे पास वन है इसका मल्टीप्लायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों वेक्टर इक्वल है, बिल्कुल है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, m वन आ गया, आइदर दे आर पैरेलल और कोलिनियर, बट आप क्या लिखोगे, b इज कॉमन बिटवीन ए बी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर, सो दीज आर कोलिनियर वैक्टर। ये आपको ध्यान में रखना, तो ये कैसे बन जाएंगे, कोलिनियर वैक्टर बन जाएंगे, सिर्फ इतना आपको काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, उसमें क्या है, ये आप खुद कर सकते हो 17 बेटा, क्या लिखा हुआ है उसमें, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, शो दैट द वेक्टर्स दीज, व्हाट इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है, पहला वेक्टर ए मान लेते हैं, दूसरे को बी और तीसरे को सी, और यहां पे हमारे पास है 2i माइनस जे प्लस 2k, 2i माइनस जे प्लस k, 2i माइनस जे प्लस k, आई माइनस थ्री के माइनस फाइव के, आई माइनस थ्री के माइनस फाइव के, ये सेकेंड वेक्टर है, और थर्ड वेक्टर जो दे रखा है वो हमारे पास क्या है, थ्री आई माइनस फोर जे माइनस फोर के, थ्री आई माइनस फोर जे माइनस फोर के, ये वेक्टर्स गिवन है। ध्यान से देखो ए बी सी थ्री वेक्टर्स गिवन है, वो कहता है ये वर्टिसेज है किसके, ये वर्टिसेज है ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप वहां से क्या कैलकुलेट करोगे, आप वहां से वेक्टर बना लो, ठीक है, और इसमें कुछ इस तरीके से कंसीडर कर लो, लेट ए बी सी, ये जो ट्रायंगल के जो पॉइंट बनेंगे वो हमने मान लिए कि ए बी सी है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से मान लेते हैं ए बी सी, इसका वेक्टर बन गया ए, इसका बन गया सी, इसका बन गया बी। अब आप यहां से अगर ए बी वेक्टर को कैलकुलेट करो तो क्या फॉर्मूला होगा, बी माइनस ए, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पे पहले बी को लिख लीजिए आप, आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव के माइनस सब्ट्रैक्ट क्या होगा, टू आई माइनस जे प्लस के, तो क्या रिजल्ट बनेगा, यहां से आई माइनस टू आई तो माइनस ऑफ आई, माइनस थ्री प्लस कट क्या होगा तो माइनस टू जे बन जाएगा, फाइव माइनस तो माइनस का सिक्स के। आई थिंक ये आपके पास ए बी वैक्टर बन गया, ठीक है, तो ए बी वैक्टर क्या बना, माइनस आई माइनस टू जे माइनस सिक्स के, इसी के अकॉर्डिंग बी सी वैक्टर बना लीजिए, सी माइनस बी, सी माइनस बी, सी में से बी, थ्री आई माइनस सॉरी थ्री आई माइनस आई तो टू आई, माइनस फोर जे प्लस का बन जाएगा तो माइनस का के हो गया, सॉरी जे हो जाएगा, और माइनस फोर प्लस का फाइव होगा तो प्लस का के बन जाएगा, टू आई माइनस जे प्लस के। इसी तरीके से आप बनाओ, कौन सा रह गया अब आपका, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी बना लीजिए, ए सी, सी माइनस ए, तो थ्री आई माइनस टू आई, आई बनेगा, माइनस फोर जे प्लस का तो माइनस थ्री जे,
माइनस फोर के माइनस तो माइनस फाइव, ठीक है। अब हमें ध्यान से सुनना, ट्रायंगल को प्रूव करना है राइट एंगल, तो क्या प्रूव करेंगे कि नहीं दो साइड के इनके मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम, ए बी का मैग्नीट्यूड लो मॉडुलस, तो वो डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ए बी का क्या आएगा ध्यान से देखो, वन का स्केयर वन, टू का फोर, सिक्स का थर्टी सिक्स, फोर्टी वन। आप बी सी बना लीजिए, तो आप क्या कहेंगे बी सी का मैग्नीट्यूड करेंगे वेक्टर का, तो ये डिस्टेंस क्या बनी, टू का स्केयर फोर, वन का वन वन, तो यहाँ पे आ गया रूट सिक्स। फिर आप ए सी को कैलकुलेट कीजिए, ए सी का मैग्नीट्यूड कीजिए, क्या बनेगा यहाँ से, वन का स्केयर वन, थ्री का नाइन, फाइव का ट्वेंटी फाइव, रूट थर्टी फाइव। अब आप ध्यान से देखिएगा, दो साइड के स्केयर का सम अगर थर्ड साइड आती है तो ट्रायंगल तो राइट एंगल है। आपके पास क्या आ रहा है, बी सी का स्केयर कर लीजिए प्लस ए सी का स्केयर कीजिए, तो बी सी का स्केयर क्या था, रूट सिक्स, रूट सिक्स का स्केयर, रूट थर्टी फाइव का स्केयर, सिक्स प्लस थर्टी फाइव आपके पास क्या बना, फोर्टी वन। तो ये जो कि किसके इक्वल आएगा, ए बी का स्केयर नजर आ रहा है आपको, इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आपका जो लास्ट सम है बेटा वो देखिए ध्यान से, 18 सम, इसमें हमें क्या करना था, राइट एंगल ट्रायंगल दिखानी थी, तो आपको जस्ट क्या बनाने हैं, वेक्टर क्रिएट करने हैं और उनके मैग्नीट्यूड करने हैं, दो वेक्टर्स की वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड करते हैं तो डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको वो वर्क यहाँ पे करना था। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कहता है ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ए, कहता है ए वेक्टर है नॉन जीरो है और कंडीशन ये है कि उसका जब मैग्नीट्यूड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ए, ठीक है। लैम्डा नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा कोई भी स्केलर है जो कि नॉन जीरो है। आगे कंडीशन क्या दे रखी है, लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर, लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर गिवन है, तो कहते हैं लैम्डा की वैल्यू, अच्छा लैम्डा ए अगर यूनिट होगा तो लैम्डा ए का जब हम मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, स्केलर का मैग्नीट्यूड कर दो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वन, ये तो लैम्डा रहेगा, ये ए बन गया वन, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा, सो वन ओवर, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, आपका जो आंसर है वो चेक कर लीजिए, या आप ए की वैल्यू की निकालनी है, ए की वैल्यू क्या बनेगी, वन ओवर लैम्डा, इसकी वैल्यू कुछ रखी थी उन्होंने, यूनिट वेक्टर इफ कंडीशन कौन सी है, तो एक आपका लिख सकते हो वन ओवर लैम्डा लिख दो या इसका मैग्नीट्यूड लिख दो, सेम रहेगा, कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता इस पे, आपके पास इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो जाती है, दैट मीन्स हमारा डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे जिसको बोलते हैं वैक्टर प्रोडक्ट। तो आपको एक्सरसाइज जैसे जैसे कंप्लीट करनी है, एक एक क्वेश्चन को करना है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसमें से दो ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, एक डॉट एक क्रॉस वेक्टर में, एंगल वगैरह तो है ही बट डॉट और क्रॉस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, तो आपको इनको कंप्लीट करना है नोटबुक में।